विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के प्रांगण में स्थित 150 साल पुराने प्राचीन मौलसरी वृक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मौलसरी वृक्ष की जड़ों में इन दिनों खोखलापन आ गया है, जो पेड़ को धीरे धीरे सुखा रहा है। मंदिर के पुजारियों ने इस पेड़ के उचित रखरखाव और इसकी जांच की मांग मंदिर प्रशासन से की है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के प्रांगण में स्थित 150 साल पुराने प्राचीन मौलसरी वृक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मौलसरी वृक्ष की जड़ों में इन दिनों खोखलापन आ गया है, जो पेड़ को धीरे धीरे सुखा रहा है। मंदिर के पुजारियों ने इस पेड़ के उचित रखरखाव और इसकी जांच की मांग मंदिर प्रशासन से की है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर प्रशासन को इस पेड़ की जांच कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के चिकित्सकों से करवानी चाहिए, ताकि इस पेड़ को खत्म होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पेड़ के प्रति लोगों की काफी आस्था है और मंदिर में हजारों श्रद्धालु यहां जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो इस पेड़ में डोरियां और धागे बांधते हैं। ऐसे में इस पेड़ को बचाना प्रशासन की सबसे प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी अभिनेंद्र ने कहा कि इस तरह के पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनमें पीपल, बर, अर्जुन, कन्यार, मौलसरी, नीम और पारिजात वृक्ष शामिल हैं, जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी मंदिर में ये मौलसरी वृक्ष पूर्वजों द्वारा आज से 150 वर्ष पहले स्थापित किया गया था, लेकिन आज ये पेड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। धूप या बारिश में बचाव करने के लिए ये मौलसरी वृक्ष श्रद्धालुओं सहित यहाँ के पुजारियों के लिए किसी छाते से कम नहीं है। वहीं इस मौलसरी वृक्ष के नीचे भजन मंडली का पूरा पंडाल बैठता है। मौलसरी पेड़ जो है ज्वालामुखी मंदिर के प्रांगण में आज से 150 साल पहले स्थापित है, और ये जो पेड़ है हमारे बुजुर्गों ने लगाया हुआ था, और जो 7 कल्प वृक्ष हैं, पीपल, बड़, अर्जुन, कन्यार, पारिजात और मौलसरी, ये उनमें गिना जाता है। जहाँ भी ये पेड़ लग जाए वहाँ वास्तुदेव दूर हो जाता है, और ये हमारे इस इलाके का बड़े ये रेयर पेड़ है, बड़े कम संख्या में यहाँ देखने को मिलते हैं, और ये पेड़ अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हमने प्रशासन से कई बार मांग करी कि इसकी उचित की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ये पेड़ जो है इसकी जड़ों में कुछ खोखलापन आ गया है, और हमें इस बात का अंदेशा है कि कहीं ये पेड़ सूख ना जाए। SDM ज्वाला जी व मंदिर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अंकुश शर्मा ने कहा कि धीरे धीरे पेड़ सूख रहा है, तो पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय से चिकित्सक को बुलाकर इस वृक्ष की जांच करवाई जाएगी, ताकि इसके अस्तित्व को बचाया जा सके। आपने मेरे ध्यान में पहले भी लाया है, तो अभी जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे बात करके किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं यहाँ पे, और फिर उनसे जो भी रेमेडी या जो भी सोल्यूशन वो बताएंगे उसके अनुसार इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं।